ब्रेड पिज्ज़ा तो हम घर पे अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रिपल लेयर जंबो पिज्ज़ा सैंडविच की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी ये सैंडविच बनाना एकदम आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। पिज्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक छोटी साइज़ की प्याज, एक छोटी साइज़ का कैप्सिकम, आधा टमाटर और ये 10 से 12 ऑलिव्स को कट कर लिया है और ये स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया है। और अब हम यहाँ पे 3 बड़ी साइज़ के ब्रेड लेंगे और ये एक बाउल हम मोज़रेला चीज़ लेंगे, या फिर आपको जितना चीज़ अच्छा लगता हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस लिया है, ये मैंने घर का बना पिज़्ज़ा सॉस ही यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम एक ब्रेड पे ना पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर लेंगे। तो ब्रेड की ना चारों ओर अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे, अच्छे से सॉस को फैला लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस ब्रेड के ऊपर हम टॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना हम इसके ऊपर ना थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। इसके बाद इसके ऊपर हम कटे हुए प्याज डालेंगे और फिर कटे हुए कैप्सिकम डालेंगे और ये थोड़े से टमाटर डालेंगे और फिर उबले हुए कॉर्न डालेंगे और इसके बाद ये हमने कटे हुए जो ऑलिव्स लिए हैं वो डालेंगे। और अब इसके ऊपर हम बहुत सारा मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अभी तो ये पहला लेयर बन रहा है, इसके जैसा दूसरा लेयर भी बनेगा। इस सैंडविच को देखते ही पक्का सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो देखिए मैंने सारा चीज़ डाल दिया है, अब इसके ऊपर ना हम चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो स्प्रिंकल करेंगे। और इसके बाद हम दूसरी ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर भी हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस को ना हमें सारे कोनों में ना अच्छे से फैला लेना है। तो देखिए दूसरी ब्रेड पे भी हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है, तो इसे ना हम सैंडविच के ऊपर रख देंगे और सॉस वाली साइड ना ऊपर रखेंगे। और अब सेम प्रोसेस दोहरानी है हमें। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे, उसके बाद प्याज डालेंगे, फिर कैप्सिकम, टमाटर, ऑलिव्स और कॉर्न डालेंगे। इस सैंडविच को मैं तवे पर बनाने वाली हूँ, लेकिन आपके पास अगर ओवन है तो आप उसमें भी बना सकते हो, उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रिल हो जाएगी। तो अब इसके ऊपर हम ऑरेगानो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर लेंगे और लास्ट में उसके बाद हम ऊपर से बहुत सारा चीज़ डालेंगे। और अब तीसरी वाली ब्रेड के ऊपर भी हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर लेंगे और इसको हम टॉप पे रख देंगे। और अब मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है और इसे हम बटर से ग्रीस करेंगे। और अब इसके ऊपर हम सैंडविच को रख देंगे। और अब हमें ना इसके ऊपर भी टॉपिंग करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ चीज़ और ऑलिव से इसका टॉपिंग करने वाली हूँ, इससे ना ये सैंडविच बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बहुत सारा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और फिर इसके ऊपर ऑलिव्स का टॉपिंग करेंगे। तो सारी ब्रेड पे बहुत सारे ऑलिव्स लगा लेंगे। तो देखिए हमारी ट्रिपल लेयर सैंडविच का टॉपिंग अब रेडी है। और अब इसे ना हमें ढककर 3 से 4 मिनट के लिए ना मीडियम फ्लेम पे चीज़ मेल्ट होने तक पकाना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमारा चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये हमारी जंबो पिज़्ज़ा सैंडविच रेडी है सर्व करने के लिए। दोस्तों ये दिखने में तो सुंदर लग ही रही है, लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। तो इसे बना के ज़रूर ट्राई करना। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।